नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज़ ट्रांसफ़र को लेकर, अनुदेशक ट्रांसफ़र को लेकर एक बड़ा समाचार आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है। बड़ा बदलाव करने की मांग कही गई है। विक्रम सिंह और राकेश पटेल जी के द्वारा श्रीमान विजय करानंद जी को ज्ञापन दिया गया है और संशोधन करने के लिए शासनादेश में बात कही है। क्या पूरा समाचार विस्तार पूर्वक बताएंगे इस खास बुलेटिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़, जो है आपके संघर्ष का साथी। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डीके देव। अनुदेशक एकता जिंदाबाद, संघे शक्ति करियोगे। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। श्रीमान विजय करण आनंद वैश्विक शिक्षा महानिदेशक, और इसमें विषय है उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के नवीन विद्यालयों के अनुबंध नवीनीकरण स्थानांतरण के लिए जारी शासनादेश में आंशिक परिवर्तन व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक वैश्विक मंडल लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश 29/5/2023 के निरस्तीकरण के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि हम अनुदेशकों के स्थानांतरण को लेकर एक समस्या बनी हुई है। स्थानांतरण के संबंध में शासन से जारी आदेश दिनांक 21/3/2023 वैश्विक शिक्षा अनुवाद 5 प्रेषक दीपक कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन से वर्णित व्यवस्था में निम्नलिखित विधियों को संशोधन शामिल करने की नितांत आवश्यकता है, जिसके चलते अधिक से अधिक अनुदेशकों को स्थानांतरण का लाभ प्राप्त हो सके। बिंदु निम्न है। प्रमुख सचिव वैश्विक महोदय द्वारा जारी अनुदेशक स्थानांतरण ऑब्लिक नवीन अनुबंध में जारी आदेश के प्रथम चरण के बिंदु संख्या 7 में स्थानांतरण के लिए छात्र संख्या की बाध्यता को हटाते हुए स्वेच्छा से आवेदन के क्रम में स्थानांतरण किया जाए। दूसरे पॉइंट में अनुदेशक स्थानांतरण हेतु नवीन संविलियन विद्यालय को सम्मिलित किया जाए, जिसमें अत्यधिक अनुदेशकों को स्थानांतरण का लाभ प्राप्त हो सके। तीसरे पॉइंट में अपने गृह विभाग में तैनात अनुदेशक पब्लिक पूर्व में जारी अनुदेशक स्थानांतरण आदेश का लाभ प्राप्त कर चुके अनुदेशकों को प्रथम चरण में ना सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण के उपरांत रिक्त बची सीटों पर द्वितीय चरण में अवसर दिया जाए। शेष अल्प मानदेय में 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा कर अपने विद्यालय दायित्व का निर्वहन करने वाले अनुदेशकों को अपने गृह विकास खंड नजदीकी विकास खंड में स्थानांतरण का लाभ प्राप्त हो सके और वह अपने दायित्व का निर्वहन सुगमतापूर्वक कर सके। छोटे पॉइंट में लिखा हुआ है, महोदय आपका ध्यान मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक वैश्विक षष्ठ मंडल लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 29/5/2023 पत्रांकांक इतने इतने की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत निर्देश प्रदान किया गया है कि कंपोजिट विद्यालय 1 से 8 में कार्यरत समस्त अध्यापकों अनुदेशकों शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही समय चक्र में शिक्षण कार्य कराया जाए। उक्त के संबंध में अनुरोध किया जाना है कि विषयगत अंशकालिक अनुदेशकों से संबंधित शासनादेश इतने इतने दिनांक 31 जनवरी 2023 की धारा 1(14) के अनुसार अनुदेशक कक्षा 6, 7, 8 में विषयगत सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाएं ही पढ़ाने को निर्देशित किया गया है। अतः उपरोक्त शासनादेश को दृष्टिगत रखते हुए उच्च प्राथमिक ऑब्लिक संविलियन ऑब्लिक कंपोजिट विद्यालयों में अनुदेशकों से कक्षा 6 से 8 तक ही शिक्षण कार्य कराने हेतु समय चक्र में रखने का स्पष्ट आदेश पारित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में बहुतायत जिलों में अध्यापकों प्रधानाध्यापकों द्वारा गलत व्याख्या करते हुए अनुदेशकों से कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाए जाने हेतु निर्धारित कर दिया जाएगा, जो कि शासनादेश का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। भवदीय राकेश पटेल, 30/5/2023। इस तरीके से विक्रम सिंह जी ने भी मांग की है कि शासनादेश में बदलाव किया जाए। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन की ओर से वैश्विक शिक्षा मंत्री को संबंधित ज्ञापन पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री अम्मार रिजवी को दिया गया। मैं संगठन की ओर से 100 बच्चों की वार्ता को समाप्त करते हुए 100 बच्चों से कम वाले विद्यालय में अनुदेशकों का तबादला किया जाए, ये मांग की गई है। वह साथ ही कंपोजिट विद्यालयों में भी तबादलों की सुविधा देने की मांग की है। तो साथ ही ये ज्ञापन अभी हाल ही में अनुदेशकों की मांग को लेकर दिया गया है विक्रम सिंह एवं राकेश पटेल जी के द्वारा। तो साथ ही ये थी खास खबर। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए अनुदेशक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।